प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से की खास अपील, कहा आपका वोट बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए है। मैं आज बिहार के युवा साथियों से, बेटे बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा, मतदान आप जो करने वाले हैं, आपके एक एक वोट की ताकत है जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। अरवल में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, उत्पाद निरीक्षक ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भागलपुर में पूर्व रेलवे जंक्शन का मालदा डिवीजन के डीआरएम ने किया निरीक्षण, मौके पर रेलवे के सक्षम अधिकारी के अलावे कई रेलवे कर्मचारी भी रहे मौजूद। रेलवे से जो है रेल तो अपना पूरी तरह से निर्वाह कर ही रही है, सारी उम्मीदें तो पूरा उतर ही रही, मतलब रेल की तरफ से कोई वो नहीं है, तो सरकार और प्लस ये आपका पेंडेमिक के गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। मधुबनी के कलुआही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की चुनावी जनसभा, वहीं मंच से केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। कोई आलू बिहार के क्या नौजवान, यही बिहार की परंपरा क्या, यही भारत की परंपरा, आप नहीं चाहते हो, आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है वोट का हथियार है, परिवर्तन कर डालो वोट के। अरवल के कलेर पीएचसी में डॉक्टर की अनुपस्थिति में कैदी के कोरोना वायरस रिपोर्ट के लिए एसआई ने किया घंटों इंतजार। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के नेता निरहुआ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिहार में है एनडीए की लहर। लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरह से 15 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है उसको लगातार आगे ही बढ़ाना है, नींव तैयार है, अब इस पे जितना बढ़िया महल खड़ा करना है वो खड़ा होगा, और इसके लिए एनडीए पे भरोसा है, पूरे बिहार को भरोसा है, और ये भरोसा जो है वो काम के दम पे ही है, जो बदलाव हुआ बिहार में उसके दम पे ही है, तो पूरी उम्मीद है हमको कि एनडीए की सरकार बन रही है। अरवल के कलेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, NH-139 से पुलिस ने 30 बोरी महुआ समेत वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को भेजा जेल। भागलपुर में अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर बड़ी रकम लूट की घटना को दिया अंजाम, वही इलाज के दौरान हुई घायल व्यवसायी की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोधगया के सूरजपुरा ग्राम में अवैध तरीके से खनन कर बालू घाट बनाए जाने पर ग्रामीणों द्वारा फूटा आक्रोश, मौके पर जमकर मचा बवाल। पत्रकार अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमुई जिले के झाझा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, आक्रोश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का किया पुतला दहन। अगर मीडिया बंधुओं पर प्रश्न उठाया जाता है, प्रश्न पूछने पर, तो स्वतंत्रता किन्हें दी जाएगी, मैं यह पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कि इस प्रकार की जो तानाशाही रवैया है यह कब तक चलेगी। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी ने बढ़ते आलू प्याज की कीमतों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जब जब सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब महंगाई ने आसमान छूया है।